एक नई पहचान 10 जुलाई से सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे यस सोना गाची यस सोना गाची मिर्चा एक नई पहचान 10 जुलाई से सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे यस सोना गाची और यहाँ की शैतान दे दो जो फूल इस बाड़ी में खिलता है उसकी खुशबू भी यही महकती है अब जल्द ही हमारी मिर्चा की नई जिंदगी शुरू मिर्चा भरे बाजार में नाचेगी गाइस ट्यून इनकी नजर पड़ने से ही हम नाम वाले बदनाम हो जाते हैं मैं तुम्हें इनसे प्यार करने की इजाजत नहीं दे सकती कभी सोचा है वही समाज जो सोनागाची की मिट्टी को ले जाना मंजूर करता है वही समाज सोनागाची की बेटियों को अपनाना नहीं चाहता अब आप लोगों की ही सोच बदल सकती है नीरजा का भविष्य तो जुड़िए 10 जुलाई से यानी 8:30 बजे हमारे इस नए पेशकश के साथ कलर्स टीवी पे मंडे टू संडे ऑल 7 डेज Yeah. I would now like to call upon the creative forces behind the show, our producer, Sudhir Sharma, from Sunshine Productions, to say a few words. I haven't rehearsed, so I'll be very brief. First of all, thank you so much to all the mothers coming here this beautiful afternoon. And itna samay nikala aap logon ne. So thank you so much. And first of all, I would like to invite my partner in crime, our co-producer and the director, Mr. Prasad Gawandi.
He's a very senior hand, and fabulously, he's done some amazing scenes. You'll see it from 10th of July, 8:30 on Colors. And also Seema, who's my partner and co-founder, Sunshine. So I won't take much time, just a couple of things I want to mention that ये जो धारावाहिक आप सुन रहे हैं नीरजा इतनी इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोमोज बने हैं और इतने सारे पब्लिसिटी है इसके बारे में, ये सिर्फ हमारे लिए एक धारावाहिक नहीं है. प्रसाद और उदित जो हमारे कहानीकार हैं जिन्होंने मूल कहानी इस सब्जेक्ट की लिखी थी, तो हमारे लिए सिर्फ एक धारावाहिक नहीं है, एक कहानी नहीं है, ये एक प्रयास है एक ऐसी कहानी को सामने लाना जो इस समय इस वक्त में इस परिवेश में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम आपको एक झलकी दिखाएंगे जिससे आपको पता लगेगा. और आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट इस TRP की मारामारी में, इतने कॉम्पिटिशन में, इस तरह की कहानी कहना, इतनी संवेदनशील कहानी कहना और उस कहानी का चयन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का काम है. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कलर्स एंड मनीषा जी एंड शीतल जी. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग दिस ग्रैंड शो नीरजा एक नई पहचान. एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल, यू हैव सीन द फेसेस in front of the camera. I would like to thank Sonia, who's sitting right here. Yudi, thank you so much for all your support. Smita and Bhavna, thanks a lot. And the fabulous team of Colors promo team. I don't know everybody's name, but Shakil, who heads the promo, they have done some amazing promos. Thank you so much. Thanks a lot. Arnab, who's the coolest support for us. So thanks, everyone. Thank you so much. In our team, Sunshine team, we have Udipt, who's written the स्टोरी ऑफ दिस शो, मूल कहानी उनकी है, वो इस समय गोवा में शूटिंग कर रहे हैं. अंजलि बहुरा हु इज स्टिल राइटिंग हर एपिसोड्स, हु इज नॉट हेयर राइट नाउ बिकॉज ऑफ दैट. एंड माई टीम, मिस्टर मिशा गौतम हु इज आर क्रिएटिव प्रोड्यूसर, नगीन हु इज आर क्रिएटिव डायरेक्टर, थैंक यू सो मच. एंड वेयर इज दीपक पंत, आर रॉक सॉलिड हेड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट हेड. दीपक, थैंक यू सो मच. क्रिएटिव टीम प्रांजल, एंड आई एम श्योर मैं बहुत सारे लोगों के नाम भूल रहा हूँ, सो आई एम सो सॉरी. एंड सो बिना समय ज़ाया किए 10 तारीख को आप पूरा शो देखेंगे, पर ख़ास आप लोगों के लिए एक छोटी सी झलकी आइए देखते हैं हमारे शो की. कोलकाता का सोना काची. आई वुड लाइक टू कॉल द क्रिएटिव जीनियस फ्रॉम कलर्स, शीतल, प्लीज कम ऑन स्टेज. Maybe a line. A line, please. There's a lot of passion gone into this show which we've made, and I hope all of y'all enjoy it, and I hope it changes the way you know, storytelling in television is done. I just hope y'all enjoy it. Could I now call upon the cast for a quick photo op, guys? भाई तालियां बजा दीजिए यार, इतनी खूबसूरत कास्ट है, इतनी मेहनत से इतनी अच्छी कास्टिंग हुई है. ना कोई रानी पास मेरे, ना कोई कहानी, सो जा मेरी गुड़िया रानी. Could the cast stay back for a quick photo of now? Just the cast. We'll have the solo. Only the cast. Good.
Guys, एक सोलो सोलो विल स्टार्ट विद पौरमिता आइदर ऑफ यू या माँ या बेटी प्लीज राजवी आयुब सर कुड वी हैव यू प्रतिमा कैन वी हैव यू बैक प्लीज ऑन द स्टेज दुगा दुगा जैसे मैं प्रतिमा अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए उसे एक नई पहचान देने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रही हूँ वैसे ही मुझे लगता है कि संसार की हर माँ अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए उनका जीवन बनाने के लिए संघर्ष करती है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करती है आज हमारे साथ वीडियो कर्मी की कुछ ऐसी महान माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए उनको एक नया जीवन दान दिया उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया आज हमने कुछ माओं को यहाँ बुलाया है और उनके लिए एक सरप्राइज़ भी है लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि माँ का जो काम है ना उसको कोई थैंक यू नहीं बोलता उसे कोई धन्यवाद नहीं देता आई थिंक इट्स अ थैंकलेस जॉब इंडीड इसलिए मैं यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ और आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए एंड आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है चलिए देखते हैं धन्यवाद आई जस्ट वांट टू टेल थ्रू दिस वीडियो दैट थैंक यू मॉम क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके चॉइसेस लाइफ में चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरी जिंदगी में भी चॉइसेस बहुत डिफरेंट रहे हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माई मम इज दैट शी हैज ऑलवेज बीन ओके विद ऑल माई चॉइसेस एंड नॉट जस्ट ओके शी हैज सपोर्टेड फॉट फॉर मी ऑल्सो विद द चॉइसेस वेदर इट वॉज चूजिंग जर्नलिज्म वेदर इट वॉज कमिंग टू मुंबई वेदर इट वॉज डूइंग और ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू इन लाइफ
And even like, you know, when I discuss the idea of adoption, because I really want to adopt, she has always been so super supportive. Bahut sare families mein ye support nahi milta, mujhe pata hai. Nothing against them, but I am privileged to have my mother who is like, who stood behind me like a rock. Sabse zyada important, thank you mom for just being you and being there for me. Because aaj ke zamane mein bhi jab log mujhe bolte hai ki tum to ladki jaise ho, to mujhe behad khushi hoti hai. Mujhe bilkul bura nahi lagta, kyunki agar main ladki jaisi hu to iska matlab yahi hai ki main apne maa ke jaise zyada hu, which is a fact. It is very special because agar main aaj jahan par bhi hu, it has been only possible because of my mother. अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं शायद कभी जर्नलिस्ट नहीं बनती. जर्नलिस्ट तो बहुत दूर की बात है, शायद मेरा इतना एजुकेशन भी नहीं हो पाता. इतनी फ्रीडम जो है मुझे लाइफ में हर एक चीज़ चूज़ करने की, जो लाइफ मुझे चाहिए वो चूज़ करने की, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम के वजह से मुझे मिली है. शी वॉज द वन हु पुश्ड माई फादर टू लेट मी परस्यू माई ड्रीम्स, टू लेट मी स्टडी. वरना उनका बस चलता तो वो बोल देते कि शादी करवा दो, बस हो गया. जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और उस वक्त इट वॉज अ वेरी क्रूशियल एक्सीडेंट, और वो कोमा में थे. उसके बाद इट बिकम लाइक अ वेजिटेबल, और मम्मी ने यू नो पूरे घर को संभाला. शी वॉज अ हाउस वाइफ. उसके बावजूद भी वो उनके सारे काम पे, प्रोजेक्ट्स पे लेके जाती थी हमको. आई यूज टू गो विद हर, और वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे पापा का पूरा बिजनेस काम जो था वो समझा. उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को संभाला, पूरे घर को संभाला. तो शी वॉज लाइक यू नो बींग पापा थे, बट एज आई सेड के वेजिटेबल टाइप थे, तो उन्होंने दोनों का फर्ज निभाया. तो ये जो ब्रेवरी है जो उन्होंने किया, इतने टाइम तक करती रही जब तक हम बड़े हो गए. यू नो मैं और मेरी सिस्टर पूरी पढ़ाई लिखाई हो गई, जॉब हो गया, सब कुछ प्रॉपर हो गया, तब तक शी डिड दैट एंड हैट्स ऑफ फॉर दैट. Parents sacrifice so many things for us to give us the best lifestyle, and similarly my mom, she gave up her job to look after us. I mean, sacrificing on your career is not a small thing, it's a huge thing. She sacrificed her lifestyle to give us the best upbringing, to get us the best lifestyle, to fulfill our needs and desires. So yeah, I mean, that is just one of the zillion things that she has sacrificed for me. Meri ma जब भी मैं गिरा हूँ मेरे बगल में खड़ी हुई हैं. ये देखिए, मुझे एक बार बहुत बड़ा क्रिकेट बॉल ने यहाँ मारा था. लग रहा था कि यार मेरा आई साइट चला जाएगा. मेरी माँ मेरे बगल में खड़ी थी, मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई थी, मेरी माँ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे कुछ नहीं होगा, और मुझे अंदर से भी इतनी स्ट्रेंथ आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी माँ मेरे बगल में है, तो डॉक्टर क्या, भगवान भी मुझे बचाएगा. और क्या बचाया, माने तो मेरी माँ को बेबी अवार्ड देना चाहिए. क्योंकि एक ऐसे इंसिडेंट था कि हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और नाइट टाइम था, और मैं ट्रेन में चढ़ रही थी, बहुत छोटी थी, शायद फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड पे होगी, और मेरी मम्मी मेरे पीछे आ रही थी. तो एक इंसान जो था वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करने वाला था मुझे, और मम्मी ने उसे छाते से पीटा था. सो माई मॉम इज़ लाइक 5 feet, और उन्हें वो हिम्मत दिखाई, और वो हाथ में कुछ नहीं था उनके, सिर्फ छाता था. उसने उसे बहुत पीटा था, जैसे लोग रुक के पीछे देखने लगे थे मुड़ के. सो तब से मैं और मेरे पापा ये हमेशा कहते हैं कि उन्हें ब्रेवरी अवार्ड देना चाहिए. तो अगर मैं अपनी मम्मी का सेक्रीफाइस, जो मुझे याद है मेरे कॉलेज टाइम में, मेरी मम्मी ने ना लाइक कुछ देखा था, तो उन्होंने कुछ ज्वेलरी पीसेस देखे थे जिनके लिए वो काफी टाइम से पैसे जोड़ रही थी. देन मैं कहीं जाना चाहता था, उस टाइम मैं इतना अर्न नहीं करता था, लेकिन वो उतने मेरे पास बजट नहीं था, तो मम्मी ने वो वाले सारे पैसे मुझे दे दिए थे. बट मैंने उसको रीपे किया था जब मेरी सैलरी अच्छी होगी, तो वही चीज मैंने उनको जल्दी, लाइक ज्यादा टाइम नहीं लगा था, बट लेके दे दी. मैं बस से गिरने वाली थी, मम्मा ने जस्ट पकड़ा नहीं होता हाथ, तो आई वॉज ऑलमोस्ट डेड. वो फेस बहुत ही मेरे लिए स्पेशल था. मैं स्कूल में थी और मैं जा रही थी, तभी मेरा बस से एक्सीडेंट होते हुए, बस से गिरते गिरते एक्सीडेंट होते हुए बचा. वो पल को मैं सोचती तो मैं आज भी काफी ही इमोशनल हो जाती हूँ. बस सबके चेहरों पे एक मुस्कान है, और कईयों की तो आंखें भी नम हैं. मेरे साथ स्नेहा बैठी थी, एंड शी वॉज लाइक लिटरली फॉर एवरी वन शी वॉज हूटिंग, शी हैज हर ओन कॉमेंट फॉर एवरीबॉडी. गाइज, हर उस माँ बच्चे के इस जोड़ी के लिए आज की हमारी ये जो पेशकश है, हमारा जो आज का ये शाम है, बहुत स्पेशल है. हर मॉम को हमारा ग्रैंड सल्यूट.
thank you for being there for us, and you mean the world to us. Well, I would now like to call upon the moms on the stage. Paramita, you will have to come. And the cast, Kamya, Rajveer, yes. Aastha, Rajveer. Could we also have Nayandeep's mom? Sonali's mom? Shweta's mom, and also Raj's mom on the stage joining us, please. Hi. Namaste. Well, moms, आज हमारी शाम बहुत स्पेशल है क्योंकि आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं. एंड वॉट बेटर वे कि अगर आप लोग ही हमारे ये सवालों का कारवां शुरू करें. The stage is yours. You can ask the questions. You can start with Nayandeep's mom, Nandini ma'am. Hello. मैं पूछ जाती हूँ तुमको ये तुम professional life and personal life कैसे handle कर लेते हो अभी जो shoot चल रहा है इस time में. ये तो shows तो है 7 दिन के लिए तो जब हम 7 दिन के लिए शूट करते हैं तो मुझे लगता है हमें पर्सनल लाइफ थोड़ी बाजू में रखनी पड़ती है और पूरी तरीके से मेरा जो फोकस है वो प्रोफेशनल लाइफ पे हो जाता है. बट नन अदर द लेस क्योंकि मैं चाहे वो छोटी नीरजा हो या बड़ी नीरजा हो मुझे घर वाली ही फीलिंग आती है क्योंकि दोनों मुझसे इतना प्यार करती है और कहीं ना कहीं मेरे अंदर की ममता उनके लिए उमड़ उमड़ के बाहर निकलती है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो. आप नई पीढ़ी के लिए क्या सीख देना चाहती हैं? नई पीढ़ी के लिए क्या सीख देना चाहती हैं? न्यू पीढ़ी को मैं यही सीख देना चाहूँगी कि गिव अप मत करो. आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत जल्दी हार मान जाती है, बहुत जल्दी गिव अप कर देती है. चाहे काम में टेंशन हो, चाहे रिलेशनशिप में टेंशन हो, उनका एक ही जवाब होता है कि मुझे जीना नहीं है, जिंदगी ख़त्म. सो मुश्किलें लाइफ में आती रहेगी, गिव अप मत करो, लड़ते रहो. हाँ, आप घर और आप शूटिंग का कैसे करती है मैनेजमेंट? मैं मेरी अक्टूबर में मेरी बेटी 14 साल की होने वाली है. मैं एक सिंगल मदर भी हूँ. सो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना और मैं आज तक मैनेज करती आई हूँ. कोशिश करूँगी आगे भी करती रहूँ. वक्त निकालना पड़ता है. अब कैसे क्या ये तो एक माँ की ताकत होती है, वो कर लेती है तो वो हो जाता है. हेलो. हेलो. मैं निर्जा जी से पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी कौन सी अपनी माँ से ऐसी कौन सी चीज़ सीखना चाहती हो जो आगे होके आपकी पीढ़ी को अच्छी तरह से संभाल सके. प्रतिमा से या मेरी मम्मा से? हम मेरी दो माँ हैं. दोनों से बता दो. प्रतिमा से तो मैं ये सीखूंगी कि एकदम लड़ना सीखो, सबसे आगे बढ़ो और चाहे दिदुन हो चाहे कोई भी हो आप आगे बढ़ लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. और ऑफ कोर्स मेरी मम्मा से मैंने बहुत लाइफ में बहुत कुछ सीखा है. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया मुझे. आई एम फ्रॉम शिमला और मुझे इतनी दूर से यहाँ भेजा और मेरे मुझ पर बिलीव किया. मेरा एक छोटा भाई है इसलिए उनको वहाँ पे रहना पड़ता है लेकिन मेरे साथ मेरे पापा यहाँ पर हैं. तो मम्मा से मैंने बहुत चीज़ें सीखी है और मैं उनके ही राह पे लाइफ में आगे चलना चाहूँगी और सब अच्छा ही होगा. हेलो. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये कैरियर अपनाया, आप इस कैरियर में आए तो आपकी मम्मी ने क्या एडवाइस दी आपको? ऐसी क्या ध्यान रखने को बोला, क्या बातें बोली मम्मी ने आपको? मैं हरियाणा से आता हूँ, छोटे से गांव से. तो वहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है तो मम्मी बहुत सीधी सिंपल महिला रही हैं तो उनको करियर क्या बनाना है, क्या चुनना है वो ज़्यादा पता नहीं था. लेकिन उनको एक चीज़ पता थी कि जहाँ भी जाओगे आप
तो अच्छा काम करना, आप कहीं भी नाक मत कटवाना। तो उन्होंने सबसे पहले यही एक सीख, माँ को तो विश्वास होता ही अपनी संतान पर, तो आपकी मम्मी को भी आप पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। एक और अब बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर सही जिंदगी में आपके पास ऐसा चैलेंज आ जाए कि आपको ऐसी लड़की के साथ अपना घर बसाना आप चाहें, तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मेरे सामने ऐसा चैलेंज आ गया तो क्या होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक बन के आंसर दे सकता हूँ, है ना, पर मैं नहीं दूंगा। ये सच में एक चैलेंज ही है, ये एक चैलेंज ही है कि आपको हमारे समाज ने ऐसा कंडीशन कर दिया है कि आप उस तरफ जाना तो छोड़िए कि आप देख भी नहीं सकते हैं, करेक्ट। तो इससे सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा समाज भी जुड़ा है, माँ बाप भी जुड़ा है, तो बहुत सारे लोगों के साथ फाइट होगी। उसके बाद मैं इंडिविजुअली कितना स्टैंड करता हूँ, मेरी खुद की क्या डिग्निटी है, मेरी खुद की क्या स्टैंड रहता है उसको लेकर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली आई गो अहेड एंड आई होल्ड हर हैंड। तो आप पीछे नहीं हटेंगे, जैसा कि अभी मैम ने कहा था कि आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। राज की माँ मैं आपको यही दुआएं देती हूँ। थैंक यू गाइस, कुड वी हैव विजया, वंदना एंड रेखा जी ऑन द स्टेज प्लीज। वील हैव अ क्विक फोटो ऑफ विद द मॉम्स, मॉम्स के साथ एक फोटो ऑफ क्विकली। राजवी, यूल ऑल्सो हैव टू क्लिक लाइक अ सेल्फी विद द मॉम्स प्लीज। यस प्लीज, रंजनी, अच्छा अरे सब नहीं है। राजवीर, वन सेकेंड। विजया's daughters, ना कोई रानी पास मेरे, ना कोई कहानी, सो जा मेरी गुड़िया रानी। थैंक यू सो मच मॉम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर इवनिंग। परियों के रेस तू जाना और सुबह फिर। Once again, thank you so much each one of you for being a part of today's such a great evening. Bhuliyega nahi, 10 July, 8:30 PM, Monday to Sunday, all 7 days, sirf Colors pe hamara...